मार्केट में शानदार मोमेंटम, निफ्टी करीब करीब 85 पॉइंट ऊपर, हालांकि डे हाई से थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी मिड कैप मार्केट में बहुत ही तेज़ मोमेंटम। इन सब पर बातचीत करते हैं प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। अब बजट में 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, क्या ये प्री बजट रैली मार्केट को 25,000 की तरफ बजट से पहले ही ले जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो क्या थोड़ा सा पोस्ट बजट रैली का स्कोप थोड़ा कम बचेगा फिर? गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट अपना काम कर रहा है कि जो जहां जहां लोगों को लगता है वैल्यू अभी भी है स्टॉक्स में, प्राइसेस में बढ़त बहुत नहीं आई है और आगे चल के जो ग्रोथ कायम हो सकती है उसके आधार पे एक पोजीशन थोड़ी सी बिल्डअप होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है और वो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो दर्शा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और नए क्षेत्र नए कंपनीज का इसमें समावेश हो रहा है जो मोमेंटम है उसमें। सो मोमेंटम इज ऑन, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ बिल्डअप नए पोजिशन का हो रहा है। तो मार्केट ओवरऑल निफ्टी में अगर आपको शायद इतनी या मिड कैप उसमें इसमें इंडेक्सेस में वो नहीं देखे हलचल ज्यादा, लेकिन अंडर द इंडेक्सेस अंडर बीनीथ द सर्फेस ये रोटेशन बहुत एक्टिवली हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बजट से पहले जो स्टॉक्स या सेक्टर बहुत चल चुके हैं, जैसे पावर के क्षेत्र के हैं, कुछ डिफेंस में से हैं, कुछ रेलवे में से हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और बजट के ऐलान के बाद मार्केट एक जो प्लेयर्स हैं वो सब नई दिशा ढूंढेंगे कि किसमें नई चीजों में लगाया जा सकता है, नई इन द सेंस जहां पे इतना मोमेंटम अभी तक नहीं आया है। तो मार्केट तो बिल्कुल मोमेंटम है, तो प्रॉफिट बुकिंग जिसको करना है वो करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो की गलतियां जो है इसमें सुधार सकते हैं। ये आपके पास 4-5 दिन है जिसके अंदर ये सब चीज हो सकती है। थोड़ा बहुत कैश पे बैठेंगे तो मेरे ख्याल से एक अल्फा जनरेशन की पोटेंशियल आपकी बढ़ जाती है। यहाँ से खैर बजट की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और चीज जो क्लियरली मार्केट को ड्राइव कर रही है वो है अर्निंग्स। अब तक हमने आईटी के नंबर्स देखे हैं और जबकि नंबर्स में कोई ऐसा कोई ग्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट ये फैक्ट कि थोड़े नंबर्स बेटर हैं जितने फियर थे उससे हमने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देखी है। आपका क्या व्यू है आईटी पर? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। आईटी में जो टीसीएस ने नंबर दिए, आपने नंबर्स के बाद देखा होगा मार्केट ने कैसे बिहेव किया। शुरुआत हुई हल्की फुल्की 2% की उससे बढ़त से, उसके बाद उसमें मोमेंटम बढ़ा, यहाँ तक कि टीसीएस जैसी लार्ज कैप कंपनी एंड ऑफ द डे तक 6% ऊपर हो गई। ये आपको क्या दर्शाता है कि मार्केट बिल्डअप करने के लिए रेडी है, पोजिशंस लॉन्ग पोजिशंस बन रही है। एक टर्न अराउंड सा एहसास हुआ नंबर्स में, खासकर कि जो उनकी हायरिंग और उस सब चीजों से हुई। मार्जिन में भी उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई सबको कि मार्जिन जितने गिरने थे या सोचा था उतनी उम्मीद से गिरे नहीं है ज्यादा। सेम चीज आपको एचसीएल टेक में हुई। अब हो ये रहा है कि ये उम्मीद आपको एक्सट्रापोलेट हम लोग सब कर रहे हैं कि सारी कंपनीज इस टाइप की बिजनेसेस वो करेंगी। मिड कैप आईटी में देर आर बिजनेसेस जिसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिख सकता है क्योंकि बेस इफेक्ट का फायदा है या एक नीश प्रोडक्ट सेगमेंट, जैसे ओएफएसएस देख लीजिए, हमने एक बार बात की थी तब 6,500 था, आज 11,000 के ऊपर है। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि वो बिजनेसेस अलग चल रहे हैं और जो जनरल आईटी सर्विसेज वाले कंपनीज हैं जहां पे एआई का थोड़ा दबाव है, रिक्रूटमेंट मार्जिन्स का इशू है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे, तो उस सारा जो इस सब चीज का वो है सम इन सब्सटेंस की आईटी में मार्क अंडर ओनरशिप थी उसकी वजह से ये आई है ओनरशिप और उसका आपने इम्पैक्ट देख लिया प्राइसेस पे। बट फंडामेंटल कोई चेंज इस टाइप का इस क्वार्टर में मुझे नहीं है, उम्मीद होगी होगा जो भी ये अगले साल ही होगा, विच मीन्स अगले 6 महीने और आपको एक्चुअली एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रहेगी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। अब स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आगे पीछे हो सकती है बट मुझे नहीं लगता आईटी कंपनीज में कोई बहुत खास परफॉर्मेंस ड्रिवन एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कभी कभी ओवरडन भी लगता है लेकिन मार्केट में मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। यहां तक कि अंडर ओनरशिप से ओवर ओनरशिप वाली जो जोन है वो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे उस वजह से। अदरवाइज आई एग्री कोई खास इसमें नंबर्स में इस टाइप का मुझे तो नहीं दिखा। एचसीएल टेक के भी नंबर्स देख लीजिए और अब ऑफ कोर्स इंफोसिस और विप्रो के नंबर्स बाकी हैं, लेकिन इंफोसिस में हो सकता है एक अलग टाइप का आपको फ्लेवर मिले। बट जो एक कंपनी के लिए वैलिड है अनुज, उसको आप बाकी कंपनीज पे वो नहीं कर सकते एक्स्ट्रापोलेट, वो खास ध्यान रखिए। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं एक और स्पेस जहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वो ऑटो कंपनी, और सिर्फ ऑटो ही नहीं, ऑटो एंसिलरीज भी यहाँ पर, जिसमें आप टायर कंपनियां भी जोड़ सकते हैं, ये स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स भी जोड़ सकते हैं। इधर बजट एंड बियॉन्ड की पोजिशनिंग क्या रहेगी आपकी,
क्या आपको लग रहा है वो रूरल इनकम पर थ्रस्ट आएगा, तो ट्रैक्टर टू व्हीलर काउंटर्स पर जोर देना चाहिए, अप्रोच क्या है? गुड आफ्टरनून सर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग हर बार बजट से पहले एक थोड़ी बहुत अटकले लगाते हैं कि किस क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा बजट का। मेरे हिसाब से ये सरकार जो बजट पेश करेगी वो ना सिर्फ ये FY25 वित्त वर्ष 25 के लिए है, ये एक्चुअली दिशा बताएगा आपको अगले साढ़े चार साल पांच साल में क्या होना है या उम्मीद किस चीज की लगाई जा सकती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स पिछले 10 साल में काम जहां पे शुरू हुआ लेकिन बहुत एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाया, वहां पे आपको ज्यादा वो दिखेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे कई ऑड चीजें हैं मतलब जो ज्यादा बातचीत होती नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैरीटाइम सेक्टर यानी शिपिंग और वाटरवेज और पोर्ट्स, इन सबको लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एग्री साइड में आपको और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट भी आपको चेंज आ सकता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और ये सब चीजों को इसका तालमेल तभी बैठेगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर को भी अच्छी तरह कवर कर पाएगी, चाहे वो शिप बिल्डिंग से हो, शिप ब्रेकिंग से हो, पोर्ट डेवलपमेंट से हो, वाटरवेज से हो, तो वहां पे आपको होगा। दूसरा मुझे लगता है जो इम्प्रूवमेंट रूरल और सेमी अर्बन स्टेट्स सेंटर्स में जरूरत है लाने की, जो हो सकता है मेट्रो सिटीज ने लाइमलाइट ज्यादा ले ली पिछले कुछ सालों में, वहां पे आपको वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज होगा। बारिशों में हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे शहर भी सिर्फ 2-4 घंटे बारिश होती है और एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो ये जो फेनोमेना हो रहा है इसमें आप देखिए कुछ एरियाज ऐसे आपको नए दिखेंगे जो एग्री की साइड में टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर रहे हैं तो इंसेंटिवाइजेशन कैसे होगा, चाहे वो ड्रोन्स का उपयोग हो, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग हो, टिलर्स का उपयोग हो, तो ये सब चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यहाँ गुंजाइश है सरकार की पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाने की। और ऑफकोर्स बजटरी एलोकेशन भी उसके साथ साथ आएंगे। उसके अलावा हम EMS, टेक्सटाइल, ये सब की तो बातें करते ही रहते हैं। बजट में बहुत चीजें कवर होंगी अर्चदा, बट जो चीज में डेल्टा है या जो चीज चली नहीं है या जो चीज अभी रडार में बहुत ज्यादा नहीं आई है, वहां पे आपको थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलेगा और उस लिहाज से आपको स्टॉक्स वहां पे परफॉर्म करते हुए शायद दिख सकते। अच्छा प्रकाश सर, आपको कैपिटल गुड्स किस तरीके से पॉइज लग रहे हैं इस वक्त? आई मीन नो डाउट आप देखिए लास्ट टाइम जब दूसरे कार्यकाल का जब पहला बजट था, जब 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कैपेक्स के लिए किया गया था, उसके बाद से आप देखिए पूरे कैपिटल गुड्स से मूव अच्छा आया, बट इस बार प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो सिमेंट्स हो, चाहे वो ABB हो, इनके मूव बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग के बाद L&T थोड़ा सा बैकफुट पे रहा है। कैपिटल गुड्स कैसा पॉइज्ड है क्लोजर टू बजट और आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या है इस वक्त कैपिटल गुड्स में? तो बहुत सिंपल है वीरू, कैपिटल गुड्स की ग्रोथ के बिना आप जो विकसित भारत की तरफ जो कूच कर रहे हैं या जो ऐलान किया है कि भाई हम इस टाइप की इकोनॉमी की ग्रोथ कायम कर पाएंगे, उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स पर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। चेंज इस बजट में ये आएगा मेरे हिसाब से कि जो पिछले 4-5 साल के जो कार्यकाल आपने बहुत सही फरमाया कि जहां कैपिटल गुड्स का एक री रेटिंग दिखा, वो PSU लेट था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेट था। अब समय आया है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो कैपिटल फॉर्मेशन। जब मैंने से कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो आप बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ की जब बात करते हैं तो क्यों क्रेडिट ग्रोथ इतनी तेजी से या इस क्वालिटी से नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से नहीं अंडरटेक किया है। वो जैसे ही होगा उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए इस बजट में हो सकता है कई चीजें आए, क्योंकि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी जो साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आपको डेफिनेटली प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर में कुछ इंसेंटिवाइजेशन आए, चाहे वो PLI के थ्रू आए, चाहे वो टैक्स ब्रेक्स की वजह से आए, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की वजह से आए। तो इन सब चीजों को लेके मुझे कोई संदेह नहीं है कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैपिटल गुड्स, इन सब में एक ग्रोथ फेज आएगा। और L&T जिसका आपने जिक्र किया, जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है एज कम्पेयर टू द ABC में, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंपनी है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि चाहे शिपिंग का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में कुछ कामकाज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, L&T जैसी कंपनी शायद ही बना, और आज के समय में ही बनाना बड़ा मुश्किल है गिवन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, गिवन द एंट्री बैरियर्स। तो L&T को अगर आप देखें तो सदाबहार चीज अब दिख रही है कि अगले 5 साल के लिए L&T को कामकाज रहेगा, ग्लोबली रहेगा, डोमेस्टिकली भी रहेगा।
सो ऐसी चीजों को ढूंढिए जो चली नहीं है लेकिन सही जगह पे है और सही क्षमता रखती है. तो उस लिहाज से L&T डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स अगर आपको कैपिटल गुड्स एंड स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर को फेवर करना हो. जो आपने कहा ऐसी चीजों पर फोकस कीजिए जो चली नहीं है लेकिन सही जगह पर है. एक ऐसा स्टॉक जो चला भी है और सही जगह पर है वो हैल है. हैल पर अभी अभी डेवलपमेंट ये आ रहा है कि सरकार अब इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो हर संभव मदद करेंगे और मेक इन इंडिया में हैल से बड़ा और कोई प्लेयर भारत के लिए नहीं रहेगा. इसीलिए चाहे वो डिज़ाइन हो प्रोडक्शन हो हैल के पीछे एकदम सरकार खड़ी है. अब ये एक स्टॉक है जो आसमान छू रहा है और जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है आसमान से छूना भी चाहिए. लेकिन यहाँ पर अब और किस तरह की तेजी की तैयारी हो रही है प्रकाश, और वो लोग जो हाल को बस देखते रह गए और ले नहीं पाए उनको कभी मौका मिलेगा क्या? बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन आपने सही बोला कि अब जो लोग देखते रह गए और हाल ने आसमान छू लिया वो उनके प्रोडक्ट्स भी छूते हैं, आज कंपनी का स्टॉक भी छू रहा है. लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी ग्रोथ इस टाइप की आगे चल के नहीं आएगी. जिस टाइप की ऑर्डर बुक है ये जरूर आएगी लेकिन कंपनी को आपको समय देना पड़ेगा. और याद रखिए कोई यू नो जहाज बनाना है या हेलीकॉप्टर बनाना है या इसके कोई कंपोनेंट्स भी बनाने हैं अर्शदा, तो ये चीजें लॉन्ग रेंज रहती हैं, जेस्टेशन वाली चीजें रहती हैं. कम से कम आपको साल दो साल तीन साल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में रहता है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस को रहता है. तो मेरे हिसाब से ये जो सबसे ज्यादा अभी जो उम्मीद बनी हुई है कि डिफेंस में सब कायम रहेगा, बिल्कुल रहेगा. स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन की जरूरत है, उसको समय देना पड़ेगा आपको ईपीएस कैचअप का. पी एक्सपेंशन तो हमने कर दिया लेकिन वो ऑर्डर बुक के बेसिस पे था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बेसिस पे ईपीएस की झांकी आपको मिलेगी और वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग सकता है. तो जो लोग मायूस हो रहे हैं उनके लिए भी चांस मिलेगा. इवन इस भाव पे लें लेकिन आप एक साल बाद लें, छह महीने बाद लें तो ईपीएस ग्रोथ आ जाने दीजिए फिर लीजिए, तो आप एटलीस्ट कोई चीज महंगी नहीं लेंगे. बट As of now, थोड़ा सा overvalued है ये सारे stocks, given इनकी strength जो है, इस sector की strength है, तो थोड़ा सा संभल के करें. नए investment के लिए थोड़ा सा मैं परहेज करूंगा most of these defense names. मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, आप टेलीकॉम पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अब थोड़ी सी ये भी चर्चा गर्म हो रही है कि AGR पर शायद एक क्यूरेटिव प्ली पर भी कुछ फैसला आ सके, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? इंटरेस्टिंग सेक्टर अनुज आपने चुना है. देखिए टेलीकॉम में शुरुआत हुई है एक रीसेट की, एक मूव हमने ऑलरेडी देख लिया सारे जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके उसमें, क्योंकि टैरिफ हाइक आपके सामने आ गई. ये टैरिफ हाइक अब कैसे अब्सॉर्ब होती है मार्केट में, इसका आपको असर एक आध महीने बाद दिखना शुरू होगा. सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं उसमें कहीं चेंज हुआ, मार्केट शेयर में कोई तब्दीली हुई, कौन से सर्कल्स में डेप्थ क्रिएट हुई है, उसके बाद एक नींव बन जाएगी एक दूसरे टैरिफ हाइक की. तो ये टैरिफ हाइक इन्फ्लेशन के साथ अगर इसको मैच करना है तो यहाँ से कम अगले दो साल में आपको एटलीस्ट एक या दो टैरिफ हाइक्स और चाहिए. अब वो टैरिफ हाइक आते आते इस इन कंपनीज की बैलेंस शीट पे इंप्रूवमेंट बहुत ड्रामेटिक हो सकता है. सो मेरे हिसाब से वो जरूर होगा, लेकिन ये वाली टैरिफ हाइक को तो हमने डाइजेस्ट किया. एक क्षेत्र जो फायदे में रहेगा वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा, चाहे वो केबल ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क्स का हो, जो प्लेयर्स जैसे तेजस टाइप जो लोग हैं अब वो इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे जो BSNL के ऑर्डर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विपमेंट की सप्लाईज में डीबॉटलनेकिंग हो गई यानी जो रुकावटें हैं वो चली गई, तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिख सकता है. मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ले लीजिए, बट इस टाइप के एरियाज में देखिए, जो टावर बनाने वाली कंपनीज है, टावर राउंड करने वाली कंपनीज है, टावर को बैटरी देने वाली कंपनीज है, तो इसमें बहुत सारा एक प्ले है. बट यस, टेलीकॉम एज ए सेक्टर डेफिनेटली बहुत एसेंशियल रहेगा मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, और उस लिहाज से उसका रिफ्लेक्शन अब फाइनली आपको दिखेगा. भारती जैसे अब नाम देखे तो बहुत बढ़ चुके हैं, बट हो सकता है अगर कहीं करेक्शन आता है मार्केट में, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको नीचे के स्तर पे मिल जाता है तो भारती हेक्साकॉम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियर कट बिजनेस है, उसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है. लेकिन ऑफकोर्स लिस्टिंग के बाद वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा ही हो गया होगा, बट अगर थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस आती है तो आप वैसे स्टॉक्स को लेकर रख सकते हैं. और मैंने जैसे कहा थोड़ी रिसर्च कीजिए, तो छोटी कंपनीज आपको मिलेंगी जो 2000 से लेकर 8-10 हजार करोड़ मार्केट कैप की जोन में है, जो यहाँ इनके सप्लाई साइड में वेंडर साइड में, तो वहां पे आपको इंटरेस्टिंग केसेस मिलेंगे. बट इट स्टिल नीड्स मोर वर्क, मतलब जिसको कहते हैं कि थोड़े डिस्कवरी पे अभी समय है उसके.
अच्छा प्रकाश सर, जहाँ तक लक्ष्मण जी की खबर है, एक्सक्लूसिव खबर, उसके मुताबिक सरकार विनिवेश के मुद्दे पे आगे बढ़ेगी नहीं, शायद कोई डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखी ही ना जाए, ये फिर पूरी बजट स्पीच ही अगर आप देखें इसके इर्द गिर्द ना हो। ऐसे में एक आई थिंक जो लॉजिस्टिक जायंट है, मुझे याद आता है आपकी एक बार कॉस्ट पर शुमार हुआ करता था, ये कॉनकॉर, मेरे ख्याल से सबसे नज़दीकी विनिवेश इन्हीं का था कॉनकॉर में, और हालांकि बीपीएसएल के लिए एसेट्स के लिए तो कोई काउंटर पार्टी मिली नहीं थी। कॉनकॉर को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? नहीं सर, कॉनकॉर का जब भी नाम आता है तो हम ऑलमोस्ट ये उम्मीद बना के बैठ जाते हैं कि बस इसका विनिवेश होना ही है, और ये भी पता है कि कौन ले सकता है, क्योंकि उस समूह के लिए एक एक बहुत क्लियर कट साइनर्जी है इसमें। लेकिन याद रखिए, सरकार का रुख हमेशा ये रहा है कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, जो इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है, उनमें हम लोग डाइवेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम लोग सुधारेंगे, उनको हम लोग स्केल अप करेंगे और चलाएंगे। और उस लिहाज से बहुत सारी कंपनीज उन्होंने ये करके दिखाई। सो जो ये नई ऊर्जा इस सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट की है पिछले उसमें सेशन में, पिछले स्टिंट में, वो चीज आपको और भी गहरी होती हुई दिखेगी। सो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट भी बहुत जल्दी ना हो, और अगर होता है तो आपको बहुत क्लियर कट उसके इंडिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये वो उसका जो दौर है वो शुरू होगा। लेकिन कॉनकॉर के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो मैं वही चीज समझा रहा था जो स्टार्टिंग में, कि कई कंपनीज हैं जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने के बाद इंप्रूवमेंट दिखा, वैसा आपको शायद गवर्नमेंट के लैंड एसेट्स जहां पे है, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड एसेट्स है, उनको अनलॉक करने की शायद प्रक्रिया हो, विच इज नॉट डाइवेस्टमेंट लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग वाली चीज है। जैसे अभी हाल में शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक बिजनेस डीमर्ज होके अलग से निकला, जो जिसमें सिर्फ सारी लैंड एसेट्स को वो किया गया। एक सेम वे आपके पास पहले एक हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज करके एक बिजनेस था। तो ये सब चीजों को हाउसिंग से लेके कहीं ना कहीं लो कॉस्ट हाउसिंग का एक्सपेंशन को लेके कहीं टाई इन हुआ, तो इनमें वैल्यू अनलॉकिंग ज्यादा आएगी, और सरकार के पास इस टाइप का बजटरी कंफर्ट है कि डाइवेस्टमेंट किए बिना भी इस टाइप की चीजें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। सो आई वुड रादर बिलीव कि ये सब चीजें होंगी जो हम लोग ज्यादा मेन उसमें डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि कोई इंडिकेशन अभी है नहीं, और ये अटकलें हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बजट सुनेंगे, मैं आपके साथ हूँ 23 तारीख को सारा दिन, तो वहां पे अगर कोई इंडिकेशन आई तो हम लोग के पास समय रहेगा टू रिएक्ट। बट उम्मीद ये है कि इस टाइप की दिशा में कुछ ऐलान आ सकते हैं जो बहुत फेवरेबल हो सकते हैं वहाँ पे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, बजट पर आप होंगे हमारे साथ तो फिर और बात करेंगे आपसे इन सब चीज़ों पर। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, पहले डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र इस समय? गुड आफ्टरनून, दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं, जहाँ डीलर्स एक बीटीएच